वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज एक बॉटल को डेकोरेट करूँगी, तो उसके लिए मैंने मोल्ड लिए हैं और क्ले है मेरे पास। तो मोल्ड ये जो केक में डेकोरेशन के काम आते हैं वही मोल्ड है, तो इसको मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ शेप बनाने के लिए, क्ले के लिए। तो ये एक लेडी और एक जेंट्स एक पेयर है डांसिंग पोज में, उसका है। तो दो बना लूँगी इस तरह की मैं बॉटल में दो तरफ लगाने के लिए, और उसी के अराउंड चारों तरफ ये देखिए इसमें अंदर किया उसको, और ये देखिए ये निकल के पूरा बन गया। कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। ये देखिए पूरा तैयार हो गया है, ये दो बना लिए मैंने। अभी इस तरह का है, इसमें भी शेप्स हैं, जो ये सब मैं बना लूँगी इसके लिए। एक थोड़ा थीम की तरह थोड़ा उसमें लगाना है किस तरह से, तो उस तरह से ही उतने ही बना लें आप जो भी है सोच के। तो इसमें ये तीन चार तरह की शेप्स हैं, कुछ थोड़ा पतली सी बेल है और कुछ दो बड़ी लीव्स हैं ऊपर। ये देखिए शेप बन गई है इस तरह से, मैं जितनी मुझे ज़रूरत है उतने शेप्स बना लूँगी। और ये देखिए इसके टूल से मैं इसके जो एक्स्ट्रा इसमें लगा हुआ है जितना भी क्ले है एक्स्ट्रा डिज़ाइन के अलावा, उसको सबको निकाल के अलग कर दूँगी। फिर देखिए मैंने बॉटल पे लगा रही हूँ, फेविकोल इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगाना चाहिए, ज़्यादा लगाएंगे तो वो बॉटल जो ग्लास का है इसलिए वो बहुत चिकना है, तो उसमें ज़रा भी ज़्यादा होता तो फिसलता है। तो इसलिए ये पूरा इसमें अच्छे से क्ले लगा देंगे, और फिर क्ले लगाने के बाद इसको सूखने के लिए रख देते हैं। क्ले को पूरा अच्छे से सूखने देते हैं, जब सूख जाता है उसके जब ये सूख जाएगी उसके बाद ही उस पर पेंट करेंगे। अगर पहले करेंगे तो वो पैची भी हो सकता है और बहुत अच्छे से नहीं आएगा, नीट नहीं होगा अपना, इसलिए उसको। ये देखिए एक और मैं थोड़ा ये मोती के पूरा एक लड़ जैसे एक लंबा पूरा निकालूंगी, ये निकाला है इसको निकाल के ये इसमें एक नीचे सबसे नीचे एक राउंड देना बेस। ये फेविकोल लिया हल्का सा लगाया, और देखिए चारों तरफ एक इसका राउंड कर देंगे। ये मोल्ड्स को यूज़ करने से ही बहुत आसान हो जाता है, अदरवाइज़ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है अब फ्री हैंड बनाएंगे तो। ये देखिए अब इसमें सूख गया है मेरा ये क्ले का जितना भी इस पर लगाया है पूरा, तो मेरे डार्क ब्राउन कलर है मेरे पास, तो इससे मैं इसे चारों तरफ इसको अच्छे से कलर कर देंगे डार्क ब्राउन जो स्प्रे है पेंट। तो ये हो गया है, उसको सुखा दिया, अब ये सूख गया है। अब मैंने इस पर मेटलिक ब्रॉन्ज कलर लिया है, तो उसको ये जितनी भी मैंने लीव्स जैसे शेप है तो ये बीच में और भी लगाया है, इसको सबको इसी से कलर कर दूँगी ऊपर से पूरा। और फिर अब ये जो है बीच में बना हुआ है जो इसके देखिए, तो जो मैंने अभी बनाए हैं इसमें लेडी है जो इसका स्कर्ट है उसको पूरे फ्लेयर को उसको राइड किया है मैंने, और फिर ब्लैक से उसमें उनके सबके बाल भी करने हैं, और ये जो जेंट्स जो इसमें दिख रहे हैं पेयर में जो
आदमी दिख रहा है तो उसका पैंट को भी मैं ब्लैक करूँगी और शूज़ उसके जो पहने हुए वो भी ब्लैक कर दूँगी। और इसके भी पूरा हेयर और ऊपर का जो भी पूरा ब्लैक किया है मैंने। ये देखिए पूरा अच्छे से ब्लैक कर दिया है। तो फ्रेंड्स मेरे ये लास्ट तक देखिएगा, इसमें लास्ट तक बहुत अच्छा शेप बन के तैयार होगा। और मेरे वीडियो को यदि लाइक भी करें और शेयर भी करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये लास्ट तक देखेंगे आप, पूरा बनकर तैयार होगा और बहुत सुंदर लगेगा। ये फ्लैश टिंट है जो स्किन कलर होता है, जो वो कलर का है उसे इसका फेस और हाथ है तो उसको बनाएंगे इस कलर से। देखिए फेस थोड़ा बना है तो शेप अब समझ में आ रहा है शेप। ये हाथ है, हाथ पे भी किया मैंने। थोड़ा सा बारीक काम है। ये देखिए फेस बन के तैयार हो गया। ये दूसरी तरफ का ही फेस बनाया है ना। ये ऑलरेडी मोल्ड था तो उसमें फेस की शेप तो है, बस कलर करना है उसको जिससे वो थोड़ा अच्छे से दिखे। अब ये हो गया है। अब उसके बाद इसमें जो ये जो ये जो येलो कलर किया हुआ है, येलो कलर जो है तो ये ज़्यादा मुझे नहीं जम रहा है तो मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगी। ये डबल कोट किया है मैंने इसमें, और हाँ डबल कोट कर दिया है। और ये जो रेड कोट जो कोट पहना हुआ है इसको मैं इससे रेड कलर करूँगी। इस पर नीचे का रेड है लेडी का और ऊपर का है ब्लैक। इनका ऊपर का रेड है, नीचे का ब्लैक है जेंट्स का। इस तरह से ड्रेस को थोड़ा सा एक अच्छा दिखेगा इस तरह से किया है कलर। ये पूरा बन जाएगा। एक ही कलर करते जाते हैं और उसको सुखाते जाते हैं, क्योंकि यदि जैसे हाथ से कर रहे हैं कहीं हाथ लग गया गीले में तो इधर उधर फैल जाएगा और ओवरलैप हो जाएगा तो ऊपर से आएगा तो एक दूसरे का शेड आ जाएगा उसमें। इसलिए इसको एक सूखता जाता है, एक एक जैसे जैसे वैसे वैसे करते जाते हैं, दूसरा कलर करते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बनने के बाद अच्छा दिखेगा। अब इसकी आँखें बनानी है मुझे तो, और लिप्स बनाने हैं तो बहुत बारीक है पतला सा, तो उसके लिए मैंने टूथपिक लिया है। तो अभी टूथपिक लेके फिर उससे बनाऊंगी मैं। तो उसे आँखें बनानी है और एक और से ही
टूथपिक से फिर थोड़ा सा लिप्स पे बनाएंगे। ये बनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये पूरा बन के तैयार हो गया है। तो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।